गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। मैंने देखो अभी चाय बनाई है, दो ब्रेड सेक है। कल मैं कह रही थी ना, रास्ते में जो काली बिल्ली ने रास्ता काटा था, बस उसने नींद खराब कर दी मेरी। रात को पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, और पूरी रात सो नहीं पाई, और सुबह जब आंख लगने का टाइम हुआ तो मेड भी आज सुबह जल्दी आ गई। कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई मेरे साथ। मुझे लगता है जुकाम ठीक नहीं हुआ है, अभी गला भारी हो रहा है अभी तक। कल मैंने नेटफ्लिक्स पे 83 वेब सीरीज देखा, कपिल देव के टाइम का, 83 का। उस टाइम हम लोग स्कूल में होते थे, मुझे नहीं पता होता था। मेरी सहेलियां जो थी ना, वो पागल, पागलों की हद तक पागल थी। वो जो मैच देखते थे उस टाइम, हम लोग तो छोटे छोटे होते थे उस टाइम, तो इतनी छोटी छोटी रेडियो होती थी, वो कान पे लगा के, वो लोग, हम लोग बिहार में रहते थे उस टाइम, वो लोग धनबाद जाते थे शॉपिंग के लिए, पारसनाथ से धनबाद जाते थे, कान पे ऐसे फोन लगाया हुआ होता था उन्होंने। तो मेरे को ABCD अभी भी नहीं मालूम क्रिकेट का, ना मैं कोशिश करती हूँ कभी, क्योंकि समझ भी नहीं आता, बस वो छक्के होके मालूम है कि हाँ छक्का लग गया, ज्यादा ध्यान नहीं आता। लेकिन इस मूवी को देख के पता लग रहा है कि लोग इतने पागल क्यों हैं, क्यों जाके पब में बैठ जाते हैं, क्यों छुट्टी ले लेते हैं, क्यों सारा चीज रोक के मैच देखना पसंद करते हैं। वो देखा मैंने तो मुझे पता लगा। और लास्ट में जब उन्होंने कहा ना कि वर्ल्ड कप जब जीता था, तो उस रात हम लोग सब भूखे थे, भूखे सोना पड़ा था, वो एक सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई कि उस टाइम भी ये चीज था, क्या भूखे रह गए थे। वो जीत की जो खुशी थी ना, वो सबको ऐसा कर देती है। आप लोग भी देखिए एक बार, नेटफ्लिक्स पे है ये, 83 करके मूवी है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। उसमें वो जो अफ्रीका का जो था क्रिकेटर, विव रिचर्डसन ऐसे करके कुछ नाम था, जो नीना गुप्ता जिनके साथ थी, उसको भी दिखाया है साथ में, और मतलब जिन जिन का रिलेशन साथ में था वो सब दिखाया है साथ में। और 84 में तो दंगे हो ही रहे थे, दंगाइयों को भी दिखाया है, तो बहुत खूबसूरती से पिक्चर बनाया है, बहुत ही अच्छा लगा पिक्चर। तो मैंने रात को वो पिक्चर देखी। एक एक वेब सीरीज कोई दिख जाता है रात को तो फिर देख लेती हूँ मैं। तो बस यही कहानी है मेरी आज तक की, और आज दिन भर जो कहानी मेरी बनेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी बस मैं अभी चाय पी रही हूँ, अब बज गए 11:30। घी खत्म हो रहा था, मलाई बहुत सारा रखा हुआ था, तो मैंने घी निकालने के लिए मलाई को मक्खन निकाला है। मक्खन निकाल के अब मैंने इसको चढ़ा दिया है ऊपर, अब ये पक जाएगा फिर घी बनेगा। आज मैंने घिया बनाया है काफ़ी दिनों के बाद। सब्जी कुछ था नहीं, घिया लेके आई थी कल, भूख से चक्कर आ रहा है। कभी कभी फालतू के काम इतने हो जाते हैं कि खाना बनाना ध्यान नहीं रहता है। कभी कभी नहीं होता, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। कभी पानी डालना भूल जाती हूँ, कभी बेड पे चादर चेंज करना भूल जाती हूँ, ऐसा होता रहता है। उठती रहती हूँ, बैठती रहती हूँ, फिर बैठ गई हूँ, अब उधर सीटी दे रहे हैं, दो सीटी हो गया। बताओ घिया में दो सीटी होता है कोई? अब जा रही हूँ बंद करने के लिए। कभी आपने रात का खाना स्किप किया है? करके देखना। जो मैंने अभी शॉर्ट डाला हुआ है, वो कई बार जब रात को मैं कुछ खा लेती हूँ तो वो टाइट हो जाता है। और रात को मैंने, कल रात को मैंने रोटी नहीं खाई है। क्या खाया था? हाँ, दोपहर को एक पराठा और आलू की भुजिया खाई थी, एक पराठा खाया था। और दोपहर को जो ये एक मुट्ठी होता है ना, तो ये एक मुट्ठी से मैं चावल बनाती हूँ, तो चावल दाल और आलू की भुजिया बनाई थी, तो वो खाया था। और वो कल मैंने बाई चांस ही 2 टाइम खाना खा लिया था, तो मुझे ज़्यादा हैवी हो गया था, तो रात को फिर मैंने कुछ खाया नहीं। और 10 बजे के बाद जब भूख लगी तो एक सेब काटा, उसके पहले एक सूप पिया था, एक मोटा सा कप था, यहाँ पे है नहीं अभी, तो उसमें मैंने सूप पिया था 1 ग्लास। तो आप लोग कभी स्किप करके देखिए रात का डिनर, कुछ भी खा लीजिए लेकिन रोटी मत खाइए, और स्किप करके देखिए, फिर देखिएगा आपको आपके टमी पे कितना फर्क पड़ा हुआ मिलेगा। हालांकि करते होंगे आप लोग, लेकिन मैं आप लोगों को याद करा रही हूँ कि आप लोग ये करके देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। तो
मैं कभी कभी रात का खाना स्किप कर देती हूँ। रोटी तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद है, और अभी चावल मेरे ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने सोचा कि एक रोटी बनाती हूँ, तो घिया के साथ अभी रोटी खाऊंगी। वैसे घिया के साथ मुझे चावल ही बहुत पसंद है। मुझे बताया था ना मैंने कि आपको, मेरे को यूपी बिहार का जो खाने का जो टेस्ट है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे चावल के साथ घिया की सब्जी भी बहुत पसंद है। आलू की सब्जी नहीं खा सकती मैं चावल के साथ। तो सब्जी बन गया है, आ जाइए आप लोग। अब चाय पीने का तो टाइम है नहीं, 3 बज रहा है। 3 बज रहा है तो आ जाइए। आप लोगों ने खाना खा लिया होगा, वैसे आप लोगों ने मुझे तो बुलाया नहीं है, लेकिन मैं बुला रही हूँ आप लोगों को। आप लोग आ जाइए। वीडियो अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं है तो क्या हुआ, टाइम तो निकाला ना मैंने आप लोगों से बात करने के लिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं होता सब्सक्राइब करने में, कुछ जाएगा नहीं और मेरे पास कुछ आएगा नहीं। ऐसे दबाइए और ऐसा अंगूठा दबा दीजिए, कर दीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती है तो भी वो काम कर देना चाहिए, ज़रूर ज़रूर से कर दीजिएगा, मैं देखूँगी। सोचा खाली बैठी हूँ तो क्यों ना फेस को रगड़ रगड़ के साफ किया जाए, इसको भी तो रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है ना। नहीं तो जैसे टायर चलता है ना रोड पे और वो बबल्स निकले हुए होते हैं, खुरदुरा हो जाता है, ऐसे फेस भी हो जाता है। क्योंकि फेशियल कराने जा नहीं पाई हूँ मैं, सिर्फ पैक लगा के काम चला लेती हूँ। आइए दिखाती हूँ किससे करने वाली हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये दो कमाल की चीज़ें हैं। चीज़ क्या है, दो कमाल के लोग हैं ये। एक वाओ, और दूसरा भी वाओ। नहीं मामा, एक वाओ और दूसरा मामा। वाओ और मामा मिलके देखते हैं क्या कमाल करते हैं। तो अभी थोड़ी देर फेस को ठीक करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये आइडिया बहुत अच्छा है इसका, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के रब कर लेंगे। ये बहुत क्लीन हो गया है। अब ये पैक है, बहुत ही अच्छा पैक है। ये देखिए, इसको गीला वीला करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ऑलरेडी गीला रहता है ये। लगाने में बहुत स्मूथ है, इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल क्लीन हो गया है। सब्सक्राइब करें। बिल्कुल क्लीन हो गया है, लग ही नहीं रहा थोड़ी देर पहले जो पोजीशन थी इसकी। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि वो देखिए 8:15 हो गए हैं, सुबह के नहीं शाम के। तो वॉक पे तो जा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ यूटिलाइज किया जाए टाइम का। तो वक्त आप लोगों के साथ बिताना होता है, तो मैंने सोचा कि शाम होने से पहले आप लोगों के साथ थोड़ा और वक्त बिता लिया जाए। गाने तो मेरे ऑल टाइम चलता ही रहता है, गाने के बगैर मेरे
गुजारा तो है नहीं। तो बाकी ब्लॉग अच्छा लगे चाहे बुरा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जा रहा, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे आपके साथ हूँ ना, हाँ तो बस उसको लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छा अच्छा खाइए और अच्छा अच्छा सोच रखिए और किसी के साथ गलत नहीं करें, अच्छा करें, जो भी करें अच्छा करें, बाकी ऊपर वाला तो है ही आप लोगों हम लोगों के सबके साथ में। चलिए बाकी बाय बाय, गुड नाइट।